डीआरएम ने बीमार गार्ड को छुट्टी देने से किया इनकार। ऑफिस में हुई मौत, रेलवे कर्मचारियों ने जमकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रेलवे डीआरएम ऑफिस में नहीं मिली छुट्टी, चाहे जान चली जाए। जी हां, आपने सही सुना, यही हाल है मुरादाबाद के डीआरएम ऑफिस का। व्यक्ति बीमार होगा तब भी उसे ड्यूटी पर आना अनिवार्य है। ऐसे ही मामला तब सामने आया जब ट्रेन गार्ड बीमार होने के कारण अधिकारी से छुट्टी लेने गया, लेकिन अधिकारी ने छुट्टी नहीं दी और ड्यूटी पर तैनात कर दिया, जिसकी वजह से गार्ड ने अपनी जान से हाथ धो लिया, जिसको लेकर गार्डों ने रोष व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रेल प्रशासन की लापरवाही और तानाशाही दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी तानाशाही से आज एक गार्ड को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा ही एक मामला रेलवे में गार्ड का सामने आया, जो कि बीमार था, जिसके चलते उसने रेल प्रशासन से छुट्टी मांग की, लेकिन मांग पूरी न होने पर वह ड्यूटी पर आ गया और बीच रास्ते में गार्ड की तबीयत बिगड़ी, जिसे लेकर वह रेलवे अस्पताल पहुंचे, जहां पर गार्ड को विवेकानंद रेफर कर दिया। विवेकानंद अस्पताल में डॉक्टरों ने गार्ड को मृत घोषित कर दिया। रेलवे की ये तानाशाही से आज एक गार्ड की जान चली गई, यदि उसे छुट्टी मिल जाती तो शायद वे बच सकता। रेल प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही और तानाशाही के कारण चली गई ट्रेन गार्ड की जान। साथ ही गार्ड की मौत पर मुरादाबाद रेलवे मंडल मुख्यालय पर गार्डों ने रोष व्यक्त किया और ट्रेन गार्ड की मौत से साथियों में शोक की लहर दौड़ने लगी। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिलिंग ने रेल प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। चेतावनी के बाद कहा कि आगे की कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम है डीके शर्मा, मैं ब्रांच सेक्रेटरी मेन ब्रांच यूआरएमयू। नारेबाजी इसलिए हो रही है, यहाँ पर एक WMI है, 20 साल से लगे हुए हैं सीनियर डीओ महोदय के पास। यूनियन इनसे कई बार हटाने के लिए प्रोग्राम बना चुकी है, लेकिन ये हटके नहीं दिए हैं। WMI का कोई कैटर नहीं है, सरप्लस हो चुका है। ये जो है गार्डों के साथ हमेशा शोषण करते हैं, घरों में लड़ाई होती है गार्डों के, जो नियम नहीं है वो नियम भी ये लागू कराते हैं। ये हमेशा पैसे ले लेके गार्डों को गाड़ियाँ बेचते हैं, कभी लखनऊ को बेचते हैं, कभी देहरादून को बेचते हैं। अभी इन्होंने नई नई एक गाड़ी है देहरादून को बेच दी है। देहरादून के अंदर 4 गार्ड हैं, मुरादाबाद के अंदर 80 गार्ड हैं। उन 4 गार्डों को 3 गाड़ियाँ इन्होंने वहाँ मेल एक्सप्रेस ले जाके दे दी हैं। यहाँ 80 गार्डों को जो है 2 गाड़ी दे रखी हैं। इसका मतलब क्या है कि गाड़ियाँ बेच रहे हैं देहरादून को। एक मोहम्मद शरीफ गार्ड हैं जो कि सुबह 6 बजे के ऑन ड्यूटी थे, उनको जो है 19 घंटे उन्होंने रिलीफ मांगा। वशिष से बात हुई WMI से कि मुझे रिलीफ दे दीजिए, मेरी तबीयत खराब है। इन्होंने उसको रिलीफ नहीं दिया, उसकी ड्यूटी 19 घंटे रोजा तक हुई। वो रोजा से वापस आया, वापस आते ही वो एडमिट हो गया। रेलवे हॉस्पिटल ने उसको विवेकानंद रेफर कर दिया। रेफर होने के बाद 2-3 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। अशोक कुमार गार्ड हैं, इसके बाद उन्होंने इनसे रिलीफ मांगा वशिष से, उनको भी रिलीफ नहीं दिया। वो 57 साल की उम्र के हैं, वो लखनऊ पहुँचे 19 घंटे में। उस आदमी ने आके भी इनकी रिपोर्ट करी, लेकिन ये आदमी हटके नहीं देता। आज 20 साल हो गए, इसमें क्या खासियत है जो ये गार्डों का शोषण कर रहा है? वीके वशिष्ठ WMI, इसको नहीं हटा रहे हैं सीनियर डीओ महोदय। कितनी बार सीनियर डीओ महोदय से बात हो चुकी है, लेकिन इसको नहीं हटा के देते हैं। हमने कहा कि इसके बिना के रेल थोड़ी खड़ी हो जाएगी, अगर ये रिटायर हो जाएगा तब भी तो रेल चलेगी, क्यों नहीं इसको हटाया जाता है? टोटिकल ट्रांसफर इसके लिए नहीं है क्या? टोटिकल ट्रांसफर केवल कर्मचारियों के लिए है क्या, अन्य के लिए नहीं है? वीके वशिष्ठ WMI के लिए। और मोहम्मद शरीफ हमारे साथी हैं गार्ड, वो एक्सपायर हो गए हैं, इसने रिलीफ नहीं दिया। अगर ये रिलीफ दे देते मुरादाबाद में अटेंड होके, वो मेडिकल एड उसको मिलती, लेकिन नहीं मिली। 19 घंटे में रोजा पहुंचा, वहां से वापस आया, वो भर्ती हुआ, रेफर कर दिया विवेकानंद, और वो जो है आज डेथ हो गई उसकी। ये आए दिन हर गार्डों के साथ शोषण करते हैं, और मेल गार्डों से जो है ये मालगाड़ी चलवा रहे हैं, जबरदस्ती चलवा रहे हैं। हर नियम जो है एकदम लागू कर देते हैं कि ये नियम गार्डों पर लागू होगा। गार्ड सारे दुखी हैं इनसे, करीब 6 महीने हो गए आज, सारे बुजुर्ग 55 से 60, कभी कुछ नियम कभी कुछ नियम, इसके पास सारे नियम है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। प्रशासन को नहीं दिखता, इसको 20 साल हो गए एक जगह काम करते हुए, प्रशासन क्यों नहीं हटाता इसको? क्या इसके बिना रेल बंद हो जाएगी या हमारे बिना रेल बंद हो जाएगी? इसको तुरंत हटाया जाए वीके वशिष्ठ को, इसके चक्कर में कई गार्ड हमारे मर चुके हैं। ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे, और सीनियर डीओ महोदय के बाद आने के बाद यहीं घेराव करेंगे।